नमस्कार दोस्तों, नब्बे कंस्ट्रक्शन के और एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 1000 स्क्वायर फीट अगर आपके पास स्लैब है तो 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब में आपको कितने स्टील की आवश्यकता पड़ेगी 2024 के एंड में और 2025 के स्टार्टिंग में आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे स्टील के लिए। मैं जो इसमें कैलकुलेशन बताऊंगा आपको स्लैब बीम और स्लैब के बारे में बताऊंगा कि स्लैब बीम में और स्लैब में कितने स्टील लगते हैं। देख सकते हो मेरे पीछे ये स्टील बाइंडिंग का कार्य हो रही है। अभी स्टील का काम मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए पूरे मेरे पीछे स्टील का कार्य हो रहा है। सबसे पहले बीम को बांधा जाता है जो कि हम पीछे करवा रहे हैं। देख सकते हो आप पीछे पूरा जो है मेरे स्टील बाइंडिंग का काम हो रही है। और बीम होने के बाद उसके बाद देन आप जो है स्लैब के ऊपर के जो गाले होते हैं हमारे कमरे के अंदर देखे होंगे छत, तो वो छत के लोहा बाद में बनती है या बाद में बिछाते हैं, तो उसके हिसाब से जो है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपके पास छत है तो आपको कितने स्टील की रिक्वायरमेंट है। जनरली एक स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से बताऊंगा ताकि आपके पास अगर ड्राइंग्स नहीं है तो आप उसको कंसिडर करके आप जो है एक अच्छी छत और अच्छी घर की जो है निर्माण करवा पाओ और आपको किसी भी प्रकार की फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि कितना स्टील लगती है हमारी 1000 स्क्वायर फीट के छत में। दोस्तों एक निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। हम आ गए हैं पेन पेपर पे, हकीकत में कितना लगता है बिल्कुल एकदम फैक्ट के साथ आपको दिखाऊंगा। यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरीके से स्टील निकालने की फार्मूला जो मैं अभी आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए हमने ले लिया छत की लंबाई, छत की लंबाई है 20 फीट और छत की चौड़ाई है 50 फीट। टोटल एरिया हमारा जो बनता है वो बनता है आपका 1000 स्क्वायर फीट। देखिए 1000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। फार्मूला क्या है दोस्तों, तो फार्मूला है स्लैब का लेंथ गुणित स्लैब का विड्थ गुणित 2, यानी कि स्लैब की लंबाई को गुना करना है चौड़ाई से, उसको गुना करना है 2 से, उसके बाद उसको भाग देना है 39 से। 39 से भाग देने से क्या निकलेगा, 39 से भाग देने से निकलेगा सरिया कितने नंबर लगना है। देखिए हमने करा है स्लैब हो गया बराबर, स्लैब की लंबाई है 20 फीट, चौड़ाई आपका 50 फीट और 2 से हमने गुणित किया है और 39 से हमने जो है भाग दिया है, इससे टोटल नंबर ऑफ स्टील निकलेगा। 39 होती है स्टील, एक स्टील की लेंथ होती है 39 फीट, ये देखिए लिखा हुआ है 39 नंबर ऑफ वन स्टील लेंथ होता है। तो इससे जो कैलकुलेशन होके आंसर आता है 51.28 नंबर ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट होती है वन साइड के लिए, यानी कि एक लंबान वाली साइड पकड़ लो, लंबान वाली साइड के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है। चौड़ान वाली साइड के लिए गुणित 2 कर देंगे, मतलब 2 होती है, एक सीधे में लगती है सरिया एक आड़े में लगती है, तो ये दोनों को जो है 2 से इसलिए गुणित कर रहा है, तो 103 नंबर ऑफ स्टील निकल के आता है आपका 10 mm की स्टील, है ना। तो 10 mm छत में ज़्यादातर 10 mm की स्टील ही लगती है, तो इसलिए 10 mm की स्टील निकल के आती है 103 नंबर। तो नेक्स्ट स्लैब बीम रिक्वायरमेंट होती है बराबर टोटल लेंथ ऑफ वॉल, यानी कि आपके घर के जो दीवार होती है दीवार की टोटल जितनी भी लंबाई होती है उसको जो है गुणित करना है नंबर ऑफ स्टील बीम के, यानी कि कितने नंबर स्टील के बीम में आपके लग रहे, 4 लग रहा हो, 6 लग रहा हो या फिर 8 लगा रहे हो, जितने भी आप लगा रहे हो जनरली 4 या फिर 6 लगती है, तो उसके हिसाब से जो है नंबर ऑफ स्टील का बीम का ले लेंगे कि मेन बार निकलेगा आपका इससे, है ना। तो एक अप्रोक्स 1000 स्क्वायर फीट के जो अगर आपके पास छत है तो पकड़ लीजिए उसमें 250 से 300 रनिंग फीट आपका बीम हो जाता है। तो ना हम 250 लेंगे और ना ही हम 300 लेंगे, हम लेंगे 275 यानी कि उसके सेंटर पॉइंट का, और उसको 4 से गुणित करेंगे, 4 राड लगेंगे ऊपर 2 और बीम के नीचे 2 जिस तरीके से मैंने दिखाया था इससे पहले, तो वो 4 राड लेंगे तो 275 को गुणित 4 से करेंगे तो 1100 रनिंग फीट की हो जाएगी और इसको डिवाइड करेंगे 39 से, 39 वही है एक स्टील की लेंथ, तो 28.80 नंबर ऑफ स्टील की रिक्वायर होगी आपके बीम में, और बीम में आपके 12 mm या फिर उससे ऊपर के स्टील होते हैं, तो हमने यहाँ पे इस वाले स्लैब में 12 mm की स्टील कंसिडर किया है। नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारे रिंग की कटिंग लेंथ,
रिंग की जो होती है, देखिए ये एक बिम है, बिम में जो है बिम में 8 इंची और ऐसे में है आपका 16 इंची। तो जो रिंग होती है, रिंग को दोनों तरफ से एक एक इंच की, यानी कि चारों तरफ से एक एक इंच की जो है कवर देनी पड़ती है। तो इसीलिए हमने जो है ये देखिए 8 इंची ऐसे चौड़ा है और 16 इंची है, तो इसको माइनस करेंगे तो 6 इंची बचेगा ऐसे में, और ऐसे हाइट में आपका 14 इंची बचेगा। 1 इंची ऊपर से रिड्यूस हुआ, नीचे से 1 इंची रिड्यूस हुआ, तो आपका बचा है 14 इंची। अब तो इसमें दोस्तों 14 इंची प्लस 6 इंची करेंगे तो 3 फीट 8 इंची आती है। और इसमें जो है टोटल बॉल की लंबाई, देखिए इसमें रिंग की कटिंग लेंथ फार्मूला ये लगाना है, टोटल बीम का लेंथ इंटू टू, टोटल रिंग की कटिंग लेंथ होती है आपका 3 फीट 8 इंची गुणित आपका जो है 275 रनिंग फिट का बीम है, गुणित 2 ये आ गया है। उसके बाद अपन जैसे ही इसको जो है कैलकुलेशन करेंगे 2013 रनिंग फिट आएगा, 39 से भाग देंगे क्योंकि 39 फिट एक स्टील की लंबाई होती है, तो निकल के कुछ आता है 51.61 नंबर ऑफ स्टील, यानी कि 51.5 के आसपास आपको 8 mm की स्टील की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब कुल मिला के दोस्तों हमारे पास जो है स्टील की क्वांटिटी आ चुकी है, कितनी स्टील लगनी है। स्लैब में 10 mm का स्टील हम लेंगे और ये लगेगा आपको 103 नंबर, बीम के लिए स्टील 12 mm का लिया है हमने और ये लगेगा आपका 29 नंबर के आसपास, और रिंग में लिया है हमने 8 mm की स्टील जो है 51.61 यानी 51.5 के आसपास आपका जो है नंबर ऑफ स्टील लगने वाली है 8 mm की। दोस्तों एक बार ये हो जाने के बाद, हमारे पास आ जाने के बाद कि कितने स्टील लगने हैं, उसके बाद आएंगे फार्मूला पे कि स्टील का वेट कैसे निकालना है। स्टील का वेट का फार्मूला है दोस्तों, देखिए स्टील वेट इज इक्वल टू डाया स्क्वायर अपन 162 इंटू लेंथ, मतलब ये जो डी है, डी का मीन्स है डाया, डाया में होती है सरिया की जो गोलाई बोलते हैं, सरिया की जो गोलाई होती है उसे डाया कहते हैं, तो डी स्क्वायर है डाया गुणित डाया करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 162 से इंटू लेंथ, जितना भी लेना है आपको उतना आप ले सकते हो। तो हमारा जो लेंथ है वो अभी नहीं लेंगे, अभी पहले डाया का करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम 12 का लेते हैं, 12 गुणित 12, ये 12 mm की स्टील है, गुणित 12 से हमें उसे गुणित किया है, डिवाइड 162 से किया है, गुणित जो है 1 से करेंगे। अभी इससे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0.888 आने वाला है, मतलब ये 1 मीटर की सरिया की जो है आपकी वेट होने वाली है। ये जो है दोस्तों आपका 1 मीटर के सरिया का लेंथ निकलेगा, इसको जैसे ही आप जो सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1 मीटर सरिया का लेंथ निकलेगा। जैसे ही एक हमें जैसे कि पता है कि 1 मीटर सरिया का लेंथ का वेट इतना होता है, तो सरिया की लेंथ होती है हमारी 12 मीटर एक सरिया, तो जैसे ही हम इसे 12 से गुणित करेंगे तो 1 रॉड का वेट निकल के आ जाएगा, और 1 रॉड का वेट जो होती है वो होती है आपका 10.66 kg, एक नंबर स्टील वेट हो गया है। गुणित 12 mm की स्टील आपका लगना था 29 नंबर, ये आप 29 से गुणा कर दो, गुणा कर देंगे आप तो 309.14 kg, यानी कि 309 kg के आसपास आपका 12 mm की स्टील की रिक्वायर है, ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सेम फार्मूला देखिए दोस्तों, 10 को दुगुनी 10 से किया है, डिवाइड 162 से किया है, इसका वजन आता है 1 मीटर का 617 ग्राम, गुणित 12 मीटर की स्टील, सिंगल स्टील वेट है ये, तो करेंगे तो 7.407 kg आ जाएगा एक रॉड की वेट, गुणित आपको 103 रॉड की जो आवश्यकता है 1000 स्क्वायर फीट के छत में, तो 7 किलो 400 ग्राम के से जैसे आप गुणित करोगे तो ये आ जाएगा आपका 762 kg, 960 ग्राम के आसपास, मतलब पकड़ लो कि 763 kg के आसपास आपको 10 mm की स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों सेम प्रोसेस 8 mm में भी अप्लाई करेंगे, 8 × 8 / 162 गुणित 12 मीटर सरिया की सिंगल स्टील की वेट होती है, तो बराबर ये 4 किलो 740 ग्राम के आसपास एक रॉड की जो है आपको आएगी वजन, उसको जो है आप गुणित कर लेना। ये जो आपका रिक्वायरमेंट थी 8 mm की स्टील 51.61 से मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो आपका निकल के आएगा 244.66 kg रिक्वायर। तो 8 mm का जो स्टील है 244.66 यानी कि 660 ग्राम लगने वाली है आपका 8 mm का स्टील, है ना।
अब देखेंगे इसमें जो है आपको कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे, कितने पैसे खर्च होगी 1000 स्क्वायर फीट के छत में। दोस्तों ये आ गया हूँ मैं समरी पे। समरी देखिए, 12 mm की स्टील 309 kg के आसपास, 10 mm की स्टील 762 kg या 63 kg के आसपास, और 8 mm की स्टील 244-245 kg के आसपास बैठने वाली है, लगने वाली है आपका। अब डिपेंड करता है इसका रेट कहाँ पे हो, आप किस शहर में हो। मैं इस समय मध्य प्रदेश के भोपाल, राजधानी भोपाल शहर में हूँ, और भोपाल शहर के रेट के अकॉर्डिंग मैं इसको कैलकुलेशन करके आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, हमने नंबर्स ले लिए है, उसके बाद कॉलम बनाया है, डिस्क्रिप्शन ले लिए, क्वांटिटी ले लिए, यूनिट ले लिया है, रेट और अमाउंट। सबसे पहले हमने 12 mm की स्टील को लिया है, जैसे कि हर जगह पर लिया है। 12 mm की स्टील 309 kg लगने वाली है हमारी, और इसका रेट अभी यहाँ पर 58 rupees के आसपास चल रही है। और ये जो है अच्छी स्टील की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि आपका प्राइमरी स्टील की बात कर रहा हूँ मैं, और इसका जो रेट है 58 rupees है। और इसको जो है रेट से वेट का कैलकुलेशन करेंगे तो इसको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका निकल के आता है 17,930 rupees 12 paise। तो 12 paise हटा दो, 17,930 rupees के आसपास आपको 12 mm के स्टील में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सेकंड आती है 10 mm की स्टील, और 10 mm की स्टील आपको लगेगी 762 यानी कि 63 kg, 96,960 ग्राम है, 63 ही पकड़ लेते इसको, 763 kg के आसपास। और इसका जो रेट है दोस्तों, इसका रेट भी 58 rupees यानी कि 58 rupees के आसपास है, और इसका जो खर्चा निकल के आता है 44,251.68 rupees। और थर्ड नंबर में आता है हमारा 8 mm की स्टील। 8 mm की स्टील में आपको 244.66 kg के आसपास निकल के आया था हमारा, तो और ये 60 rupees के आसपास है अभी। यहाँ पे रेट, यहाँ के रेट के अकॉर्डिंग ये 14,689.60 rupees के आसपास बैठ रही है। इन सबको अपन जो है मिला लेंगे, सम कर लेंगे, तो हमारा 76,861.40 rupees के आसपास का खर्चा देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था 1000 स्क्वायर फीट के छत में, एक स्टैंडर्ड छत में, मतलब बिल्कुल आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इस छत के डिज़ाइन के हिसाब से जो है मैंने आपको बताया है, बिल्कुल आप बिल्कुल करवा सकते हो इस प्रकार से आपके घर का काम। और इतने रुपए आपको खर्च आएंगे, 76,000-77,000 के आसपास आपको स्टील में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और ये बहुत ही मजबूत घर मकान बनने वाला है आपका, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस प्रकार की वीडियो आगे भी देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।